दोस्तों आज के समय में वैसे तो कई तरीके की फैक्ट्रियों वगैरह में कपड़े बनते हैं, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है पुराने समय में इस चरखे से धागा और धागे से कपड़े बनाए जाते थे। बगल में आप देख सकते हैं बड़ा ही पुराना चरखा है जो लगभग 150 साल पुराना है और आज भी वर्किंग कंडीशन में है। दोस्तों आज हम पहुंचे हैं हरियाणा के हिसार में, तो चलिए आज हम आपको दिखाते हैं कि इन चरखों से आखिरकार धागा जो होता था वो बनाया कैसे जाता था। अब ये चरखा है हाँ। मैंने गुजरात से मंगाया था। जी जी जी, क्योंकि गुजरात तो चरखों के लिए जाना जाता है ना। जी, तो इस तरह ये इसको असेंबल करना पड़ता है सर। जी, क्योंकि ये इसके अंदर यहाँ से ये डालना पड़ता है। तैयार कर लिया। अब इसके अंदर ये ताकू डलेगा सर। ये इधर ये हमने ताकू डाल दिया। जी जी, मतलब सर यहाँ पर एक पहिया है, इस पहिये से ये वाला पहिया कनेक्ट है। हाँ, इस धागे द्वारा। बिल्कुल। और इससे इसको कंट्रोल किया जाता है, ये ताकू से। हाँ जी। अच्छा, ये लग गया। तो दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पर कुछ इस प्रकार से इसको असेंबल किया गया। हाँ, है सर, यहाँ पर धागा बन रहा है। ये धागा देखो बन गया सर। जी, अब मेरे पास वो खत्म हो गया ना सर, नहीं तो फिर मैं आपको डायरेक्ट यूं बना के दिखाता हूं। अच्छा, इस तरह फिर यूं चढ़ाते हैं सर। तो इसके ऊपर चढ़ जाते हैं। इसी पे चढ़ता है सर, इसी पे। फिर ये बाद में फिर इससे निकाल के फिर कपड़े का उसका रूप दे दिया जाता है। जी, आपने कितनी बार मोदी जी को भी देखा होगा घूमते हुए, तो वो इसी इन्हीं चरखों पे वो अपनी दिखाते हैं। अच्छा सर, जैसे रुई इसके टच की जाती है क्या? हाँ, रुई इसमें टच की जाती है, तो यहाँ वो लिपट जाती है ना। अच्छा, इसके लिपटने से क्या होगा, ये घूमेगा तो वो क्या, और वो उसको थोड़ा थोड़ा ऐसे खींचते। अच्छा, तो रुई उससे फिर अपना धागे का रूप ले लेती है। जी जी जी, मतलब ये घूमता हुआ रुई को अपन खींचते हैं तो हाँ, वो धागे का रूप ये घूमेगा और वो फिर हाथ ही उठाते रहते थोड़ा थोड़ा, तो क्या वो धागा बन बन के इस पर लिपटता रहता है इस तरह। जी, इस तरह धागे का निर्माण हो जाता है। तो सर बड़ा ही ईजी है ये सर। जी सर, जैसे ये वाला दूसरा चरखा है सर, इस चरखे की क्या प्रोसेस होती थी जो महात्मा गांधी जी चलाते थे? नहीं, महात्मा गांधी जी इसको नहीं चलाते, महात्मा गांधी इसको चलाते थे। हाँ जी। अच्छा, आपको भी देखना महात्मा गांधी का। हाँ, आपको बहुत से फोटो ना वो बैठ के और इसको बनाते हुए दिखेंगे आपको। इससे दिखाते, ये मैंने गुजरात से मंगाया, पोरबंदर से ही मंगाया हुआ है। जी जी जी, वहीं से। तो ये हमारा हरियाणा कल्चर वाला है। जी, हरियाणवी उससे। इसमें प्रोसेस वही है, इससे घुमाते, जैसे ये हमने यहाँ घुमाया, इसको ये घुमाते थे। हाँ, और यहाँ ताकू लगा रहता था, यहाँ से फिर वैसे करते थे। अच्छा, वही प्रोसेस वही है, वही। बट वो अपना अपना बनाने का, ये पोर्टेबल है, इसको आप कहीं भी ले जा सकते हैं। जी, ये एक प्रकार से जैसे टेचे नुमा बन जाता है ये। हाँ, ये देखो मैंने ये डिश असेंबल कर दिया। हाँ, अब इसको ये रखते, ये अटैचे बन गए आपकी। तो दोस्तों देख सकते हैं आप, इसको कैरी करना भी काफी इजी होता है। हाँ, और जो पूरा इसको कैरी करना इजी है, इसलिए ये कहीं इसको ले जाके आप भी काम कर सकते हो, बट इसको उठाना और इसके स्पेस की ज्यादा जरूरत पड़ती है, ये हैवी भी होता है इसको, इसलिए घर में बैठ के इस पे काम करना। जी, और दोस्तों आपको बता दें कि ये चरखा काफी पुराना है सर, कितने साल पुराना है ये? 150 साल, कम से कम 150 साल। मतलब 150 साल पुराना ये चरखा आप देख रहे हैं सर। ये कौन सी लकड़ी का बना हुआ होता है? शायद ये आम की लकड़ी से बना हुआ सर। आम की लकड़ी का होगा। जी, और काफी अच्छी इसके ऊपर डिजाइन है और कुछ ये मेटल भी लगी हुई है। ये हाँ, ये पीतल का वर्क है सर इसके अंदर। इससे दिखाता हूँ, तो हमारी संस्कृति है ना, उसको संभालने की जरूरत है। जी, वो इसलिए रेड कलर फेंक के मैं ये दिखाना चाहता हूँ कि ये अभी तक लोलुहान हुई पड़ी है, इसको संभालना जरूरत। अच्छा अच्छा, दोस्तों जैसा कि सर कला के प्रति काफी जागरूक है और इनको इसीलिए इन्होंने कई सारी एंटिक चीजों का कलेक्शन किया है, और इनके आर्ट में, इनकी कला में, इनके पेंटिंग्स में हमेशा एक संदेश होता है, और यही संदेश इन्होंने इसको रेड रंग से करके दिया है कि ये हमारी पुरानी धरोहरें लहूलुहान हुई पड़ी हैं। इनको संजोने की आवश्यकता है और इनको संवारने की आवश्यकता है। बिल्कुल। सर और कुछ कहना चाहेंगे आप? बस मैं तो यही कहना चाहूंगा कि हमारी जो भी पुरानी चीजें हैं ना, उसको आप संभाल के रखें। जी, किसी कोने में मत फेंके या किसी टांड पे या छत पे मत फेंके। जी, उसको साफ सुथरा करके आप अपने ड्राइंग रूम में भी सजा सकते हैं। जी, आने वाले लोग उससे प्रभावित होंगे और डेफिनेटली वो चीज भी
उनका क्रेज है पुरानी चीजों अपना संदेश देती है वो अपने आप खींचती है जी। अभी मेरे पास छोटे से म्यूजियम में लोग आते हैं बड़े खुश होते हैं आके जी, खासकर जो बूढ़े होते हैं वो तो बहुत खुश होते हैं क्योंकि सर उनको उनके दौर की चीजें दिख जाती है। इसलिए मैं तो ये कहूंगा जो भी आपके पास पड़ा पुरानी चीज जो भी पड़ी है उनको साफ सुथरा करके आप ड्राइंग रूम में सजाइए। और दोस्तों अगर आपको ये म्यूजियम ये आर्ट गैलरी देखना हो तो आप हरियाणा के हिसार में आकर सर से कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर। धन्यवाद।